हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि ये जो फर्स्ट टर्म वो मेरा क्या है 2x की पावर 4, ठीक है। तो ये जो 2x की पावर 4 है इसको क्या करना है, x² से डिवाइड करना है, ठीक है। तो x² से डिवाइड करने पर क्या हो जा रहा है, एक तरीके से ये x की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या बचेगा, 2x² बचेगा। अगर हम 2x की पावर 4 को x² से डिवाइड करते हैं बचेगा क्या, 2x². तो एक जो अगर आपसे ये ना बने मल्टीप्लाई क्या करना है, मतलब कई बच्चों को यहाँ दिक्कत जाती है, तो क्या करना है फर्स्ट टर्म को इस तरीके से जो है इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देना। तो क्या आ रहा है इस तरीके से 2x², तो यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² का, तो ये जो 2x² का होगा मतलब ये क्या हो जाएगा 2x की पावर 4। आगे समझ लेता, फिर ये 2x² - 2 करूंगा मैं, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 × 2 = 4, और ये हो जाएगा क्या x². तो देखो ये आ रहा है क्या है मेरा -4x², ठीक है। और यहाँ पर जो टर्म हो क्या है x³ बन, तो मैं इसको कहाँ लिखूंगा, x² वाली टर्म के नीचे लिखूंगा, ना कि x³ वाली टर्म के नीचे। क्यों, क्योंकि x² वाली टर्म जो है x³ वाले के साथ सॉल्व होगी, और x² वाली टर्म जो है x² वाले के साथ सॉल्व होगी, ना कि x² वाली टर्म जो है x² वाले के साथ सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो मैं ये जो -4x² है उसको कहाँ लिखूंगा, -3x² के साथ, यहाँ लिखा मैंने -4x². अब क्या करेंगे हम साइन इसका चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस अपने यहाँ नीचे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस अपने यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये कट जाएगा पूरा, अब बचा गया -3x³, ये हो गया -3x³, ठीक है। फिर ये दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो 1x², ठीक है। बड़ा 4 है सामने प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर उसके बाद ये बच रहा +6x और -2 ऐसे भी जा रहा है, ठीक है। इनके नीचे कोई टर्म है तो इसको सीधा से करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर जो है हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमको -3x³ मिले इस टर्म में, हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हमको -3x³ मिले, तो क्या करेंगे फिर से -3x³ को जो है इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x² से x³ जाते कितने बार, x बार, ठीक है। तो ये -3x² क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम इस टर्म में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -3x का, तो हमको क्या मिल जाएगा, -3x³ मिल जाएगा। तो ये कर लेते हैं, तो -3x का हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया -3x, ठीक है। तो माइनस इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसके सामने कुछ नहीं मतलब वन, तो 3 × 1 = 3, और x² क्या हो जाएगा x³, मतलब ये टर्म मिल जाएगा तो -3x³ मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 × 2 = 6x, ठीक है। तो 6x कहाँ पर है, ये x वाली टर्म है, तो इसके नीचे x वाली टर्म आ रही है क्या +6x, तो ये +6x जो है वो इस x वाले टर्म के नीचे लिखूंगा, क्योंकि ये भी x की पावर 1 है और ये भी x की पावर 1 है, तो ये x की पावर 1 वाले टर्म कहाँ लिखूंगा, x की पावर 1 वाले टर्म के नीचे, ठीक है। फिर ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो गया, ठीक है। फिर ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा मतलब ये, ठीक है। फिर बचा क्या x², ये हो गया x² यहाँ पर, और यहाँ क्या बचा -2, ये इसको x² - 2 को नीचे। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी x² - 2 दिख रहा है, ठीक है, या फिर हमको फर्स्ट टर्म पर फोकस करना है, तो ये x² इसकी फर्स्ट टर्म, इसको डिवाइड करेंगे हम इसमें, ये इसकी फर्स्ट टर्म है x² से, तो x² से x² कितने बार में डिवाइड हो जाता है, एक बार। इसका मतलब अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1 का, ठीक है। तो प्लस 1 का हमने मल्टीप्लाई करे, तो ये क्या हो जाएगा +1 × x² और ±-2 × 1 = 2, ठीक है। तो ये हो गया -2। अब फिर ये साइन बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या माइनस, तो ये भी कट जाएगा और इससे ये टर्म कट जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस x² में से x² गया तो ये रिमाइंडर 0 आ गया, और ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस 2 में से 2 गया तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 बचा और ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन। अब कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए अलग वीडियो बनाऊंगा, कल बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।